हिंदी फिंगर एबीसीडी ट्रेपेज, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी क्या है? पैरेललोग्राम, एंड ए इज परपेंडिकुलर टू डी सी, ए क्या है? परपेंडिकुलर टू डी सी, और दूसरा सी एफ परपेंडिकुलर टू, सी एफ परपेंडिकुलर टू क्या है? एडी। ए बी इक्वल टू कितना दिया गया है? 16। ए इक्वल टू 8, सी एफ इक्वल टू 10। तो हमें फाइंड करना है एडी क्या है। ओके, वापस एक बार, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ए परपेंडिकुलर टू सी डी है, ए एफ परपेंडिकुलर टू एडी है, ए बी इक्वल टू 16, ए इक्वल टू 8 एंड सी एफ इक्वल टू क्या है? 10। तो हमें एडी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? एडी। बोलो, देखो इसमें आप प्रीवियस कॉन्सेप्ट को ढूंढ रहे हो ना, तो नहीं मिलेगा। मतलब कि आप सेम बेस सेम पैरेलल बिटवीन द सेम पैरेलल ढूंढोगे तो वो नहीं है। यहाँ पे सिंपल एक पैरेललोग्राम दिया है, कौन सा है? एबीसीडी। कौन सा पैरेललोग्राम दिया गया है? एबीसीडी। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी इक्वल टू, फॉर्मूला है 1/2, सॉरी 1/2 तब होता है जब ट्राइंगल होता है। यहाँ पे तो सिंपल क्या आएगा? बेस इनटू हाइट। ओके, नंबर वन, अकॉर्डिंग टू वन, ध्यान देना, एक बार मैं बेस किसको ले रहा हूं? डीसी यानी सीडी को। ओके, तो परपेंडिकुलर कौन हो रहा है? ए, यानी कि सीडी इनटू ए इक्वल टू। दूसरी बार मैं पर बेस किसको ले रहा हूं? एडी को। तो परपेंडिकुलर कौन हो रहा है? तो एडी इंटू सी एफ। आया समझ में? नाउ सीडी आपको दिया गया है या नहीं? बट सीडी इक्वल टू क्या हो सकता है? एबी बाय ऑपोजिट साइड आर इक्वल। ए तो दिया ही है ना, सबका वैल्यू साथ में रखेंगे। एडी का वैल्यू क्या करना है? ढूंढना है, और सी एफ का वैल्यू दिया है तो एडी और सी एफ अभी रहने देते, सबका वैल्यू एकदम साथ में रखेंगे तो थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा। एक क्यों ऐसा लिखा? बिकॉज ए बी इक्वल टू सी डी, विच साइड? ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, दैट्स व्हाई। नाउ ए बी का वैल्यू कितना है? 16। ए का वैल्यू कितना है? 8। इक्वल टू एडी का वैल्यू ढूंढना है, और सी एफ का कितना है? एडी का ढूंढना है और सी एफ का है 10। 8 6 8 6 48 का 8 कैरी 4, 8 1 8 एंड दैट 4, या तो सीधा जिसको 16 का टेबल आता है तो 16 8 128। ओके, बताता है तो, नहीं तो फिर मैंने किया वैसे। ओके, इतना तो आता है ना, 8 6 48 का 8 कैरी 4, 8 1 8 एंड 4 12। एडी का एडी 10 किधर आएगा? Therefore, AD equals to, एक पॉइंट कट कर दे, 12.8 सेंटीमीटर। आया समझ में? आया ना? चलो नंबर टू, इफ ई एफ जी एंड एच आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी, तो हमें शो करना है कि शो दैट एरिया ऑफ ई एफ जी एच इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सा है? ए बी सी डी, और मिड पॉइंट्स कौन से है? एफ जी एच, ई एफ जी एच, सब साइड्स के मिड पॉइंट्स ले लिए। तो ये जो ई एफ जी और एच को ज्वाइन करोगे तो एक नया पैरेललोग्राम बनेगा एफ जी एच। तो हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ दिस ई एफ जी एच इज हाफ ऑफ एबीसीडी। बोलो हाउ? ओके, तो एबीसीडी इज द पैरेललोग्राम। लेट एबीसीडी इज पैरेललोग्राम। ओके,
एंड ई एफ जी एच आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड ए डी। ज्यादा क्लियर हुआ ना? सो हियर इन ट्राइंगल ए बी डी ई एच पैरेलल क्या हो जाएगा? बी डी। एंड देयर फॉर ई एच इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी डी। सिमिलर दूसरा कौन सा ट्राइंगल है? बी सी डी। बी सी डी एफ जी इज पैरेलल टू बी डी अकॉर्डिंग टू थियरम। अगर ये दो मिड पॉइंट होते हैं ना, वो थर्ड साइड को क्या हो जाते हैं? पैरेलल। एफ जी इज सॉरी डायरेक्ट लिख लेते हैं बट के अलावा। एफ जी इज पैरेलल टू बी डी एंड देयर फॉर एफ जी इक्वल टू हाफ बी डी। दैट इज द नंबर, दैट इज नंबर टू। बाय वन एंड टू वी कैन से दैट ए हाफ बी डी, हाफ बी डी है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो ई एच इक्वल्स टू एफ जी एंड बोथ आर पैरेलल ऑल्सो। आया समझ में? दोनों देखो एफ जी किस सी एच किसको ई एच किसको पैरेलल है? बी डी को। और बी डी किसको पैरेलल है? तो हम ई एच पैरेलल क्या बोल सकते हैं, है ना? ये दोनों को कंबाइंड वन और दोनों को कंबाइंड टू बोलेंगे। इतना आया? सिमिलर आप जैसे ई एच इक्वल टू एफ जी बोल रहे हो, वैसे ई एफ इक्वल टू कौन होगा? एच जी होगा। तो उसका प्रूव करने नहीं जाते, सीधा बोल देते हैं कि ई एफ इक्वल टू एच जी। ई एफ इक्वल टू एच जी एंड ई एफ पैरेलल एच जी। आया समझ में? एंड देयरफॉर वी कैन से दैट ई बाद में कौन सा था? एफ जी एच। वो क्या हो गया? अभी के लिए पैरेललोग्राम हो गया। ई एफ जी एच इज पैरेललोग्राम। अगर हम किसी तरह से ये एंगल 90 प्रूव कर दे, क्या प्रूव कर दे? 90, तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या होने वाला है? स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर प्रूव करना है हमें इसको। बोलो तो ये एंगल 90 कैसे प्रूव करेंगे? हो जाएगा। लिसन एग्जाम्पल करते ना तो थोड़ा जल्दी समझ में आता, बट अभी नहीं किया है तो इसका हेडिंग यूज करना है हमें। एग्जाम्पल टू का हेडिंग याद रखना, इफ ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम आर ऑन दी विच से विच बेस सेम बेस बिटवीन दी सेम पैरेलल्स देन हमें एक्सेप्ट करना है, तो प्रूव दैट निकाल देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर वो रिजल्ट यूज कर देना तो इन नेसेसिटी नहीं रहेगी इसको प्रूव करने की। अब जैसे कि मान लो कि इसको ज्वाइन कर लेते हैं ईजी, तो ये जो कोऑर्डिनेटर है कौन सा कोऑर्डिनेटर है, कौन सा पैरेललोग्राम है? एई जी डी। वो और ये ट्राइंगल जो है ई एच जी बोथ हैविंग दी सेम बेस ई जी और बोथ लाइंग बिटवीन दी सेम पैरेलल लाइन ए डी एंड ई जी। आया समझ में? सो ज्वाइन हमने पहले क्या ज्वाइन किया? ई जी। उसके बाद हियर पैरेललोग्राम कौन सा है? ए ई जी डी। एंड ट्राइंगल कौन सा है? ई एच जी आर लेइंग ऑन सेम बेस कौन सा है? ई जी बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस कौन से है? ए डी एंड ई जी। एंड देयर फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है? ई एच जी। एरिया कौन सा है? ई एच जी दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ए ई जी डी। हाफ ऑफ एरिया ए ई जी डी।
आया समझ में? दैट इज द नंबर वन। सिमिलरली दूसरी साइड देखो, कौन सा पैरेललोग्राम है? ए बी सी जी पैरेललोग्राम कौन सा था? ई के बाद बी, फिर सी, फिर जी। ए बी सी जी। एंड ट्राइंगल कौन सा है? ई एफ जी आर लेइंग ऑन सेम बेस ए जी। ई एफ जी आर लेइंग ऑन सेम बेस ए जी एंड सेम पैरेलल लाइंस। कौन से दो पैरेलल लाइंस हैं? ई जी एंड बी सी। ई जी एंड बी सी एंड देयरफॉर वी कैन से दैट एरिया ऑफ ई एफ जी इक्वल्स टू हाफ एरिया ऑफ ए बी सी जी। नंबर टू। नाउ एरिया ऑफ, आपको मिड पॉइंट से ज्वाइन करने से कौन सा पैरेललोग्राम मिला? ई एफ जी एच। ई एफ जी एच इक्वल्स टू एरिया ऑफ, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल ना लेना हो तो इतना ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ले ले, तो यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल था? ई एच जी और यहाँ पे ई एफ जी, तो हम दोनों का क्या कर दे? समेशन। एरिया ऑफ ई एच जी प्लस एरिया ऑफ ई एफ जी। नाउ एरिया ऑफ ई एच जी इक्वल्स टू क्या दिया गया आपको? ओके, यहाँ पे एरिया लिखना रह गया, हाफ एरिया ऑफ ए जी डी, तो हाफ एरिया ऑफ ए जी डी प्लस हाफ एरिया ऑफ कौन सा है? ए बी सी जी। क्या कॉमन निकाल ले? हाफ एरिया ऑफ ए जी डी प्लस एरिया ऑफ ए बी सी जी। तो ए जी डी ये रहा ए जी डी और ए बी सी जी, बोलो क्या होगा? समेशन है दोनों का, ए जी डी इतना है और ए बी जी सी जी इतना है, तो ए बी सी डी यानी कि एरिया ऑफ हाफ आगे रहेगा और एरिया ऑफ ए बी सी डी, हेंस इट इज प्रूव। आया समझ में? कैसे प्रूव हो गया? कि मिड पॉइंट से ज्वाइन करने से जो क्वाड्रिलेटर मिला था दैट इज ई एफ जी एच, उसका एरिया ए बी सी डी के एरिया से क्या है? हाफ है। बट उसके लिए सेकंड एग्जांपल का लाइन याद रखना पड़ेगा। ओके, दो सेम बेस हो और सेम पैरेलल हो, फिगर सेम हो तो एरिया क्या रहते हैं? सेम ही रहते हैं। बट यहाँ पे फिगर दो अलग अलग थे। कौन से दो अलग अलग? एक ट्राइंगल और एक बेस, सॉरी पैरेललोग्राम, और इसीलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अभी मैंने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लिखा था पहले न्यूमेरिकल में, किसको याद है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लिखा था मैंने पहले न्यूमेरिकल में, बी इनटू एच। अब आप मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओ, लिखते हैं ना हम हाफ बी इंटू एच, यानी हाफ बी इंटू एच की जगह पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला वहां से निकला है। आया समझ में? तो भी याद रखोगे ना कि एक ही बेस पे सेम पैरेलल्स के बीच में ट्राइंगल और पैरेललोग्राम हो तो ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया से कितना है? हाफ। थर्ड, पी एंड क्यू आर एनी टू पॉइंट्स लेइंग ऑन द साइड्स डीसी एंड एडी रिस्पेक्टिवली ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। चलो थ्री में पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। पैरेललोग्राम ए बी सी एंड डी। अब क्या बोला है? पी एंड क्यू कौन सी साइड पे है? डी सी एंड ए डी। तो डी सी पे कौन सा पॉइंट है? पी, और यहाँ पे कौन सा पॉइंट है? क्यू। तो हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ए पी बी इक्वल्स टू, तो ए पी बी ये रहा ए पी और यहां से बी इक्वल्स टू बी क्यू एंड यहां से सी।
वाला वही यूज करना है। देखो कैसे, एक में मैं यूज करवाता हूँ, दूसरे में आप यूज करवाना। सो हियर ट्राइंगल ए बी पी एंड पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर लेइंग ऑन, बोलो कौन सा है। वेरी गुड, ए बी सी डी में ए बी आ रहा है और ए बी पी में या तो फिर ए पी बी में बी क्या आ रहा है, ए बी, तो सेम बेस ए बी एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस कौन से हैं, ए बी एंड सी डी या डी सी दोनों चलेगा, ए बी एंड सी डी, आया समझ में। एंड देयरफॉर वी कैन से दैट, बोलो एरिया ऑफ ए बी पी इक्वल्स टू हाफ एरिया ऑफ ए बी सी डी नंबर। चलो सेकंड स्टेप किसको आया, आपको प्रूव ऐसा करना है कुछ, आपको क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ ए पी बी इक्वल टू बी क्यू सी। सेकंड स्टेप बोलो, दिख रहा है बी क्यू सी, ओके शांति से समझ में आ गया कि लाइट हो गया आपको। तो ट्राइंगल बी क्यू सी पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर लाइंग ऑन सेम बेस, कौन सा था, दोनों में सेम हो वैसा साइड है बी सी एंड सेम एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस कौन से दो पैरेलल लाइन है, बी सी एंड ए डी, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल, तो बी सी एंड ए डी। देयरफॉर एरिया ऑफ बी क्यू सी इक्वल्स टू हाफ एरिया ऑफ ए बी सी नंबर एंड बाई वन एंड टू एरिया ऑफ ए बी पी, ऐसा था ना पहला, उसकी जगह पे क्या था, हाफ एरिया ऑफ ए बी सी डी, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ए बी सी डी है, आप उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ बी क्यू सी, तो ये दोनों सेम हो गए। एंड देयर फॉर एरिया ऑफ ए बी पी इक्वल्स टू एरिया ऑफ बी क्यू सी, प्रूव हो गया ना, सिंपल एक रिजल्ट याद रहेगा तो भी प्रूव कर पाओगे। द लास्ट फॉर टुडे दैट इज फोर्थ, इन द फिगर पी इज द पॉइंट इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द पैरेललोग्राम, ए बी सी डी के इंटीरियर पार्ट में कौन सा पॉइंट है, पी, सो दैट ए पी बी एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ एरा पी सी डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी सी डी। पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ले, ई एंड एफ, ओके। चलो तो पहला लाइन क्या होगा हमारा, आपको फिगर वहां से बना देना है, मैं सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूं, ज्वाइन और या तो फिर ड्रॉ, अ लाइन कौन सा लाइन है, ई एफ पासिंग फ्रॉम विच पॉइंट, पॉइंट पी सच दैट ई एफ पैरेलल टू ए बी, और ए बी को पैरेलल होगा तो पैरेललोग्राम है तो इसको भी क्या हो जाएगा, तो ई एफ पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी, आया समझ में। अब दो, एक ट्राइंगल और दूसरा क्वाड्रिलेटर, पहला ट्राइंगल लेते हैं ए पी बी, तो ट्राइंगल हो जाएगा ए एफ ई बी, ट्राइंगल ए पी बी एंड पैरेललोग्राम कौन सा है, ए बी ई एफ,
अदरवाइज ए एफ ई बी, तो ए एफ ई बी आर लेइंग ऑन सेम बेस, कौन सा सेम बेस है इस क्वाड्रिलेटर में और इस ट्रायंगल में, ए बी पैरेलल कौन से है एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, ए बी एंड ए एफ, आया समझ में? एंड देयरफॉर वी कैन से दैट एरिया ऑफ ए पी बी इक्वल्स टू हाफ एरिया ऑफ, कौन सा कोऑर्डिनेटर है, ए एफ ए बी, आया समझ में? नंबर वन। लाइकवाइज दूसरा कौन सा ट्रायंगल है सामने, पीडीसी या तो फिर पीसीडी, अंदर जो नाम लिया वही लेते हैं, पीसीडी ट्रायंगल पी सी डी एंड पैरेललोग्राम एफ ई सी डी, एफ ई सी डी आर लेइंग ऑन सेम बेस, कौन सा है, सी डी एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, कौन से है, एफ एंड सी डी, एफ एंड सी डी, एंड देयर फॉर एरिया ऑफ पी सी डी इक्वल्स टू एफ ई सी डी नंबर, ऐसे समझ में, बाय वन एंड टू, ये दोनों को प्लस करें, एरिया ऑफ ए पी बी प्लस पी सी डी इक्वल्स टू, ए पी बी की जगह पे क्या रखना था, हाफ एरिया ऑफ, सब एरो पे देखोगे ना तो समझ में आएगा, एंड हाफ एरिया ऑफ एफ ई सी डी, अब ये साइड में वापस लिख रहा हूं, ए पी बी और दूसरा सी पी डी था ना, एरिया ऑफ ए पी देख लो, और दूसरा कौन सा था, पी सी डी था, तो प्लस एरिया ऑफ पी सी डी इक्वल्स टू कॉमन निकल जाएगा हाफ, और एरिया ऑफ क्या बचेगा, ए एफ ई बी, पहले में बचेगा ए एफ ई बी प्लस एरिया ऑफ एफ ई सी डी, क्या बचेगा, तो एफ ई सी डी, अब ये दोनों का समेशन, ए वाला इतना और ये नीचे वाला क्या जाएगा, ए बी सी डी, तो एरिया ऑफ 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी, एंड हेंस इट इज प्रूव, आया समझ में, इस दोनों का समेशन ये बता दिया। अब दूसरा क्या बोला गया आपको, अब ये दोनों एरिया एपीडी प्लस पीबीसी रहा, एपीडी प्लस पीबीसी इक्वल टू ये दोनों का जो था वो वाला, बराबर, तो हम वापस यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल, जो अभी ये दो ट्रैक दो क्वाड्रिलेटर में बढ़ जाएगा, यहाँ पे क्या लिखे, ई एफ आ गया ना, तो पी क्यू लिख दे पीछे, तो क्यू आर लिख देते, आया समझ में, सर क्यू आर, तो ज्वाइन क्यू या ज्वाइन तो करना नहीं ना, ड्रॉ करना है, क्यू और आर दिया नहीं था, सो ड्रॉ लाइन क्यू आर सच दैट क्यू आर पैरेलल टू, कौन से लाइंस को पैरेलल होगा क्यू आर, ए डी एंड बी सी, क्यू आर पैरेलल टू ए डी पैरेलल टू बी सी, आया समझ में? वापस आपको दो ट्राइंगल लेना है, कौन सा ट्राइंगल,
पी डी, और कौन ही ले रहा होगा, ए आर क्यू डी, याद रखोगे ना, ट्राइंगल ए पी डी एंड पैरेललोग्राम ए आर क्यू डी आर लेइंग ऑन सेम बेस ए डी बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। ये सिंबल जब करो तो थोड़ा सिंपल दिखना चाहिए सिंबल जैसा, नहीं तो फिर ऐसे लाइंस लगेंगे तो समझेंगे नहीं। सो सेम पैरेलल लाइंस कौन से दो है, ए डी एंड आर क्यू, ए डी एंड आर क्यू, देयर फॉर कौन सा लिया था, एपीडी ना, एरिया ऑफ एपीडी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ कौन सा है, कौन सा कोरिलेटर था, ए आर क्यू डी। ओके, इसको थर्ड नंबर यूज करना पड़ेगा तो बोल देते, और इसको फोर्थ नंबर। देखो इसमें सिर्फ लिखना है, बाकी लॉजिक कुछ है ही नहीं, लिख लिख के मार्क्स लेने इस न्यूमेरिकल में। अब कौन सा है, बी पी सी, उन्होंने नाम दिया है कौन सा है, बोल देते हैं पी बी सी, तो ट्राइंगल पी बी सी एंड पैरेललोग्राम कौन सा है, आर बी सी क्यू, तो आर बी सी क्यू आर लेइंग ऑन सेम बेस कौन सा है, सेम बेस बी सी, बिटवीन बी सी एंड आर क्यू, सेम बेस बी सी बिटवीन सेम पैरेलल बी सी एंड आर क्यू। एंड देयर फॉर एरिया ऑफ पी बी सी इक्वल्स टू आर बी सी क्यू, नंबर फिफ्थ बाई फोर एंड फाइव, वी कैन से दैट एरिया ऑफ ए पी डी प्लस एरिया ऑफ पी बी सी दैट इज इक्वल टू प्लस आप क्या करो, कॉमन निकालो, एरिया ऑफ ए आर क्यू डी था ना, प्लस एरिया ऑफ आर बी सी क्यू, अब ये दोनों का समेशन होगा तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी, नंबर सिक्स। देखो ये दोनों को मिला देंगे ना तो ये बड़ा वाला बन जाएगा ए बी सी डी। अब आपको सिक्स में यहाँ पे भी हाफ ए बी सी डी मिला, और थर्ड में बी क्या मिला, हाफ ए बी सी डी, तो थर्ड एंड सिक्स से ए वाला समेशन और ए वाला समेशन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ना, सो बाय थर्ड एंड सिक्स। ओके पहले ए वाला लिख लेते हैं, कौन सा दो थे, एरिया ऑफ ए पी डी प्लस एरिया ऑफ, ओके आपको पूरा लिखना हो तो ऐसा भी लिख सकते हो, इसके इक्वल टू क्या मिला था, हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी मिला था, बट आप ऊपर से देख के थर्ड में देख के हाफ ऑफ ए बी सी डी की जगह पे क्या लिख सकते हो, ए पी बी एंड पी सी डी उसका समेशन, एंड देयर फॉर इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए पी डी, ए पी डी था ना पहला, ए पी बी था सॉरी, तो ए पी बी प्लस पी सी डी, तो हो गया ये दो और ये दो हो गया क्लियर, नीचे में एपीबी एपीबी और पीसीडी तो है, एपीबी और पीसीडी, और यहाँ पे एपीडी पीसी पीबीसी, एपीडी पीबीसी है, एंड हेंस इट इज प्रूव।